पिछले 5 सालों से अंजलि की आत्मा इसी हॉस्टल के आसपास भटक रही है। अंजलि की आत्मा, बाहर आओ, हमसे बात करो। अंजलि की आत्मा, हमारे पास आओ, हमसे बात करो। अंजलि की आत्मा, हमारे सामने आओ, बाहर निकलो। अंजलि की आत्मा, बाहर आओ, हमसे बात करो। अंजलि की आत्मा, जहां भी हो, बाहर निकलो, हमारे पास आओ। पागल है क्या? मना किया था ना, कोई भी अपनी उंगली नहीं हटाएगा। पट्टू कहेगा हम सबको मरवाएंगे। यार मोंटी, डर तो मुझे भी लग रहा है भाई, पर हम चारों अकेले हैं यार पूरे हॉस्टल में। अरे हम चारों अकेले कहाँ हैं यार, हमारे साथ गाज भैया भी तो है ना। तुम्हें अंजलि की कहानी नहीं पता, मुझसे पूछो। पिछले 5 सालों से मैं घर नहीं गया और छुट्टियों में भी यहीं रहता हूँ। मैंने अंजलि को कई बार देखा है। मोंटी, लोग जो तेरे पापा के बारे में कहते हैं, क्या 5 साल पहले तेरे पापा यही ना कि मेरे पापा ने मेरी मम्मी को मार दिया फिर जेल चले गए। चुपचाप जाके सो जा। ओए मोंटी, तेरे पास मोबाइल कैसे आया? मैं हॉस्टल के बाहर भी तेरे भाई की बातचीत है। वो ऐसा बेटा कि हम बाज हैं और तुम चूहे। चुपचाप सो जा वरना अंजलि आ जाएगी। अरे यार चिराग, एक बात बता, तू भाग करके जाएगा कहाँ? तेरे मम्मी पापा तो अब्रॉड में। मैं अपनी नानी के यहाँ चला जाऊंगा। मेरी मानो तो तुम सब भी ना अपने अपने घर चले जाओ, वरना। अबे तू हमारी छोड़, अपनी फिक्र कर। अंजलि के भूत ने अब तुझे चुना है और अब वो तेरे पीछे पड़ गई है। ओ बट्टू, रूल नहीं बताएगा तू ये? जब तक किसी के पेरेंट्स लेने नहीं आएंगे, वार्डन किसी को अलाउ ही नहीं करेगा। यार मोंटी भाई, यार प्लीज कोई हेल्प करना, कोई तो जुगाड़ लगाना। कर दूंगा, लेकिन 100 रुपीज देने पड़ेंगे।
ध्यान से लगा। हाँ चढ़ जाओ। बैग दे, बैग दे। हाँ ले, ले ये भी दे। ले ये भी ले, ले इसको। वो भी। थैंक यू गाइस। बैठ चल चल। अच्छा हुआ कि चला गया। साले के पेट में एक बात नहीं बचती यार। लास्ट टाइम मेरी वाटर से कंप्लेंट कर दी साला फट्टू। देखा डर के भागा। मस्त प्लान था भाई तेरा। वैसे जो भी कहो एक से एक प्लान है तुम्हारे भाई। रात को हमने ऐसा डराया कि सुबह होते ही चिराग भाग गया। जाते जाते 100 रुपए भी निकाल लिए उससे। और तो और पूरे साल भाई साहब लड़कों को एडल्ट मैगजीन दे करके कमा लेते हैं। मोंटी हाँ सुनना यार, वो वाली मैगजीन दे देगा। अरे मैगजीन देख के क्या कर लेगा तू भाई है यार। तेरे आज कुछ और करते हैं। तेरे लिए माल मंगवा देता हूँ। माल? अरे माल यार, अब इंतजाम करता हूँ। हाँ राजू भाई आज मिल जाएगा? आप लोकेशन भेज दो, मैं पिकअप कर लूंगा। नाम है ना तेरा? राजू भाई ने भेजा। ये राजू भी ना, मेरे दूध के दांत टूटे नहीं और जवान होने आ गए। तेरे लिए दूध के दांत ही काफी है। चलना तो चल। नीचे उतर जल्दी। नीचे हो? कोई दूसरे रास्ते से नहीं आ सकता था क्या? तेरा बाप खड़ा है गेट पे, जल्दी नीचे। ले जी ये पकड़। चलती चल दिया, चल जल्दी चल। आया ना मजा। ए मोंटी तू दो बार हुआ है यार, एक बार मुझे भी जाने देना। और पागल है क्या? एक्स्ट्रा पैसा मांगेगी? है तेरे पास? नहीं ना। अमित का है? ऐसे क्या हो गया? वार्डन क्या हो गया भाई? अरे वार्डन राउंड पे है। कम ऑन बैठ। ए तेरे इस दीवार कूदने फांदने के चक्कर में ना मेरी साड़ी फट गई है और अब मुझे इसके पैसे चाहिए। अबे ओ जो देना था दे दिया, चल निकल यहाँ से। अच्छा ठीक है, फिर मैं जाती हूँ तेरे बाप के पास। तू किसी को कुछ नहीं बकेगी। मैं तो बकूंगी,
इंपॉर्टेंट को भी तो पता चलना चाहिए उसके हॉस्टल के लड़के क्या गुण खिला रहे हैं, वरना पैसे निकालो। बोला सर। दिन में ड्यूटी पे सो रहे हो? अरे प्लीज प्लीज यार ऐसा मत करो यार, हमारी जिंदगी खराब हो जाएगी। तो फिर जल्दी से 5,000 रुपए निकालो। लेकिन इतने पैसे हमारे पास आएंगे कहाँ से? बस चुप कर अमित। हाँ। तू बॉर्डर का जाकर डिस्ट्रैक्ट कर, मैं इससे बात करता हूँ। तू क्या बात करेगा मुझसे? पैसे नहीं मिले तो मैं तेरी पोल खोल दूंगी, बताऊ कैसे? क्या कर रहा है? अबे पकड़ से। अबे यार ये क्या हो गया? चल देखते हैं। ओह नो ये क्या हुआ इसे? ये तो मर गई यार, मोंटी ने इसे धक्का दे दिया। का खून सिर्फ मेरे सर पे नहीं आएगा, तुम दोनों भी हो उसमें, समझे? अब जैसा मैं कहता हूं वैसा कर। सारा ब्लड क्लीन हो गया। तो देख क्या रहा है? गड्ढा खोद। ढंग से खोद। ये क्या कर रहा है भाई? अब तुम लोग भी कहीं अपना मुंह नहीं खोल पाओगे। हाँ हम तो नहीं खोलेंगे लेकिन वो जरूर खोल देंगे। कौन वो? वो तू? तू वापस कैसे आ गया? अरे वो मेरा वॉलेट रह गया था ना, इसलिए। ये क्या किया तुम लोगों ने और कर क्या रहे हो? मैं ना अभी ना तुम लोगों की। तुम लोग क्या देख रहे हो? मिट्टी डाल, इसको तो मैं देखता हूं। रुक क्यों गए? मैं मिट्टी डालना। लेकिन ये तो जिंदा है। अबे मर चुकी है वो, बकवास मत कर, मिट्टी डाल। छोटो ये लड़का आया नहीं? नहीं भाजी, 10 मिनट का बोल के गया था, शाम होने को आ गई है। अगले चिप्स का पैकेट देना। और नहीं बस। ओ यार वॉलेट तो मैं वही भूल गया। अंकल थोड़ा सा ना बैग का ध्यान रखना प्लीज, मैं ना बॉयज हॉस्टल से ना अपना वॉलेट लेके आ रहा हूँ। बस 10 मिनट अंकल, 10 मिनट लगेंगे। आशीर्वाद। हेलो मुझे छोड़ दो प्लीज, छोड़ दो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, जैसा तुम बोलोगे मैं वैसा ही करूंगा। तुझ पे ना भरोसा नहीं कर सकता, तू पहले ही मुझे फंसा चुका है। मोंटी अगर इसे हमने छोड़ दिया ना तो
तो हम सब फंसेंगे, सब सड़ेंगे जेल में सिर्फ इसकी वजह से। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, जैसे बोलोगे वैसे करूंगा, चुप रहूंगा मैं, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मोंटी अब क्या करना है? रात का इंतजार, अरे क्या हुआ, कौन चला रहा है? पकड़ उसको, पकड़ लिया। अरे फिर से खोल ना पाए। मैं देख क्या, अरे भोला दादा कुछ नहीं, बस बच्चे हैं, मस्ती कर रहे थे। आप आराम करो ना, आराम करो। अरे थोड़ा कम मस्ती किया करो, चैन से जियो और चैन से जीने दो। मुझे पता था मुंह खोलेगा, इसका मैटर क्लियर करना ही पड़ेगा। अमित पानी की बाल्टी ले गया, ऐसे नहीं मानेगा। तेरा मुंह बंद होना बहुत जरूरी है। हेलो, अरे डॉक्टर साहब, आप? हमें आपके प्रिंसिपल से मिलना है। सर बच्चों को तो छुट्टियां हो गई हैं, सभी अपने घर जा चुके हैं, आप 15 दिन बाद आइएगा। कोई चिराग नाम का लड़का यहाँ ठहरा हुआ है क्या? चिराग? हाँ साहब, 4 लोग रुके हुए हैं, मोंटी, अमित, कबीर और चिराग भी। पर आप क्यों पूछ रहे हैं साहब? इनकी दुकान पर वो बैग रखे आया। अरे साहब, जब कोई इस गेट से गया ही नहीं तो इनकी दुकान तक कौन पहुंच गया? आवाज कैसी? अरे सर बच्चे होंगे, शरारती हैं, शरारत करते रहते हैं। अरे पीछे से आवाज आई है, चलो। अरे सर कुछ नहीं है सर। हवलदार जल्दी आओ। छोटी छोटी शरारतें बच्चों को अपराध के दलदल में ढकेल देती है। मोंटी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ।
उससे एक ऐसी गलती हो गई जिसे छुपाने की कोशिश में वो एक बड़ा अपराध कर बैठा। जाने अनजाने में मोंटी एक अपराधी बन गया।